हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सरिफुल और आप देख रहे हैं सरिफुल मिर्जा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे बहुत ही ज्यादा पहचान है यूट्यूबर का एक मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरा इंटरटेक रहिए, बिना स्किप कीजिए। और मैं जो जिसका इंटरव्यू ले रहा हूं उसका नाम है प्रतीक्षा डेका। अगर आप प्रतीक्षा जी को नहीं पहचानते हैं तो मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। उनका भी यूट्यूब पर एक चैनल है और उस चैनल का नाम है प्रतीक्षा चैनल। तो सबसे पहले मैं प्रतीक्षा को वेलकम करूंगा, सो प्लीज प्रतीक्षा, वेलकम टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतीक्षा देका, मेरा चैनल का नाम है प्रतीक्षा चैनल और आज मुझे बुलाया गया है इनका चैनल सरिफुल मिर्जा। बहुत उनको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी, आज मेरा इंटरव्यू लेने के मतलब लेने के लिए बुलाया है, हम आ गए हैं। तो मैं उनको दिल से शुक्रिया बोलूंगी पहले। आप अगर इनका चैनल देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं पहले भी, देख लीजिए। और मैं तो पहले ये बोलना चाहूंगी कि उन्होंने हमको बुलाया है लेकिन तो आना नहीं चाहिए, मतलब मैं इतना भी वो नहीं हूँ जो उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया, इसलिए मैं बहुत बार धन्यवाद। और मैं सबसे पहले एक बार फिर से बोलना चाहूंगी कि ये वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए, वहां पे बहुत मजा आने वाला है। सो लेट्स सी द वीडियोस। तो प्रतीक्षा, पहले तो मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ क्योंकि तुमने तुम्हारा कीमती वक्त मेरे चैनल पर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं तुम्हें पूछना चाहूंगा कि तुम अपने बारे में कुछ बोलो। मैं आपका रिलेटिव गुवाहाटी सातगांव पे, और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री थर्ड सेम, और मेरा घर पे बोलने से तो 3 मेंबर ही है लेकिन बहुत ज्यादा लोग रहते हैं हमारे साथ। और 3 मतलब कौन कौन है? 3 मतलब मेरा मम्मी पापा और मैं, लेकिन साथ रहते हैं बहुत सारे मेंबर्स। और उसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारे चैनल के बारे में थोड़ा कुछ हमारे व्यूअर्स को बता दे। मेरा एक चैनल है प्रतीक्षा चैनल, मैं वहाँ पे आपका ब्लॉगिंग करती हूँ, मतलब बहुत जगह मतलब ट्रेवलिंग करती हूँ, उसके वजह से मैं ब्लॉगिंग करना चैनल में स्टार्ट किया। पहले मेरा एक चैनल था प्रतीक्षा देखा, मतलब वहाँ पे मैं वो मतलब ब्यूटी टिप्स टाइप दिया था लेकिन वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके कारण भी है मेरा मोबाइल खो गया था, पासवर्ड अक्सर भूल गया, उसके वजह से मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है। मेरा फ्रेंड लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया था, मतलब करो घूमते रहती हो, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया। तो तुम्हारा जो पहला चैनल था वो था ब्यूटी, तो वो छोड़ के तुमने ब्लॉगिंग क्यों किया? ब्यूटी भी तो अगर वो तुम जैसे बोला कि उसका जो पासवर्ड आई सब कुछ गुम हो गया, तो फिर भी तुम वो ब्यूटी वाला ही नेक्स्ट टाइम शुरू कर सकते हो, तो वो नहीं करके तुमने फिर से ब्लॉगिंग क्यों किया? एक्चुअली मुझे ब्यूटी टिप्स देना बहुत अच्छा लगता था लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो दिया, अगर बेनिफिट नहीं हुआ तो मतलब व्यूअर्स मुझे क्या बोलेंगे, तो हुआ नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, इसलिए वो भी डर लगते थे, इसलिए छोड़ दिया। यानी मतलब तुम्हारे मैंने कहने से क्या मतलब है कि ब्यूटी के जो सिस्टम है, हाँ, उसके सिस्टम के बारे में तुम मैंने उतना अच्छा नहीं जानते हो? नहीं जानते हो, लेकिन मेरा घर का रेमेडी, घर का रेमेडी मतलब पूरा एकदम परफेक्टली पता है, लेकिन बाहर का जो होता है ना बाकी लोग वैसे नहीं पता है। वही तुमने यूट्यूब चैनल कब से शुरू किया? यूट्यूब चैनल में आपका लास्ट 2018 और दिसंबर 30 को शुरुआत किया है, अभी तक मैं करके आ रही हूँ। तुम यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया, किसके कहने पर शुरू किया? तुम्हें यूट्यूब चैनल खोलने के लिए किसी ने बोला या अपने दिल से ये चैनल खोला? पहले तो मैं बोलना चाहूंगी दूसरे लोगों का जो वीडियोस मैं देखते रहती हूँ, बहुत ब्लॉगिंग करते हैं वो सब भी देखते रहती हूँ, और मेरा फ्रेंड लोगों ने भी बोला है कि तुम ब्लॉगिंग बहुत दूसरे को देखते रहते हो, खुद भी करा करो। मम्मी ने भी बोला है, बहुत सपोर्ट किया, मतलब बहुत सपोर्ट किया है, करो। और बोला कि अगर मतलब मेरा फ्रेंड लोगों ने बोला कि अगर तुम ब्लॉगिंग चैनल खोलोगे मतलब दिखाने से हमें भी मतलब देखने को मिलेंगे, हम तो जरा से जरा जा नहीं पाएंगे, तुम तो घूमते रहती हो इसलिए बना शुरू कर दो। तुम
जो है ब्लॉगिंग शुरू किया तो किसी दूसरे लोगों का जो चैनल है उनका देखकर ही शुरू किया हाँ। जैसे बताया तो किस किस का चैनल तुमने देखकर ये ब्लॉगिंग शुरू किया? स्पेशली हमारा जो यूट्यूबर दिलबू बोलवा, उसके बाद आपका पूर्वांचल, उसके बाद बिटुपन चैकिया, उन लोगों से देख कर मैंने ये शुरुआत किया। उन लोग ने बहुत अच्छा अच्छा सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं, मैं भी सोचा कि कर लेते वही सोच के। अच्छा, तुम्हें कभी क्या कोई जो बड़े क्रिएटर्स है जैसे तुमने बोला कि टिंकू बोरवा, पूर्वांचल, इन लोगों ने तुम्हें कभी प्रमोट किया था क्या? प्रमोट नहीं किया, लेकिन प्रमोशन नहीं किया, लेकिन सपोर्ट किया, करना चाहिए। मतलब गर्ल्स यूट्यूबर मतलब आसाम में कम है, इसलिए करना चाहिए। मतलब तुम अभी तक यूट्यूब जब से शुरू किया आज तक यूट्यूब से कुछ मिला क्या? अगर मिले तो वो क्या मिला? यूट्यूब से तो मुझे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, मेरा बहुत मतलब फ्रेंड बहुत हुआ है पहले से। पहले मैं सबसे बात करने को डरती थी, शर्म लगती थे बेसिकली, तो मेरा शर्म के बारे में मर ही जाते थे। तो फिर अभी जो मेरा मतलब बहुत फ्रेंड है, सबसे मिला, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ मैंने बात किया है, बातचीत किया है, बहुत सपोर्ट किया है। जैसे कि आप भी मुझे इतना सपोर्ट किया है, वैसे ही यूट्यूब में मुझे सबसे पहले मुझे अपना फ्रेंड मिला है। यूट्यूब पर तुम्हें कौन कौन जो क्रिएटर्स जिन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया, कौन कौन ऐसे क्रिएटर्स थे उनके बारे में थोड़ा बोल दो? पहले तो मैं बोलूंगी हमारा सुलेमान भैया, पप्पू नेचर चैनल, उन्होंने सपोर्ट किया। सेकेंडली है आप जो बहुत सपोर्ट करते हैं, और हमारा राजा, मिस्टर राजा ने भी बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद हमारे डिंपू भैया, डिंपू बोलवा, उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट किया है। मतलब करके जाओ गर्ल्स, मतलब ब्लॉगिंग चैनल बहुत कम है आसाम में, आसाम में, सो उन्होंने ही सपोर्ट किया है। अच्छा, तुम जब ब्लॉगिंग करते हो तो ब्लॉगिंग करने के लिए बाहर घूमना पड़ता है क्योंकि ब्लॉगिंग घर पर बैठे कभी नहीं होता। जब तुम बाहर जाते हो तुम्हारे फैमिली मेंबर से, जैसे तुम्हारे तुमने बोला कि तुम्हारे फैमिली मेंबर तुम्हारे मामी और दादी, इन्होंने कभी तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे कभी बोला था क्या? मैं जितना भी आज तक ब्लॉगिंग किया हूँ सब कुछ मैं फैमिली के साथ, मतलब मैं अकेले कहीं पे नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं फैमिली के साथ जाती हूँ। उन्होंने ही मुझे लेके गए हैं, जहाँ भी ब्लॉगिंग करना है उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, लेके जाते हैं, लेकिन अकेले में आज तक गया नहीं। तुम अपने चैनल पर कभी डिमोटिवेट हुई थी क्या कि ऐसे कभी लगा कि मैं अपने चैनल पर ग्रो नहीं हो पाऊंगा, मैं बेकार हूँ, ऐसे कुछ कभी भी डिमोटिवेट हुई थी क्या? डिमोटिवेट तो फर्स्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तब मेरा व्यूअर्स नहीं आया था, 100 के ऊपर आते ही नहीं थे, जिसके वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ। फिर मैंने बाकी यूट्यूबर्स लोगों से पूछा कि क्या होगा, फिर उन लोगों ने बोला वीडियो देते जा देते जा, एक दिन तुम भी सक्सेस बनोगे, जिसके वजह से मैं भी वीडियो देखेंगे। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत व्यूअर्स आता ही है। तो प्रतीक्षा, मैं तुम्हें ये पूछना चाहूंगा कि तुम मेरे चैनल पर आज पहली बार इंटरव्यू देने के लिए आए हो, इससे पहले भी तुमने कभी किसी चैनल पर इंटरव्यू दिए हो क्या? मैं इस बार पहली बार आपका चैनल पर इंटरव्यू दे रही हूँ, इससे पहले कभी दिया नहीं। तो तुम पहली बार मेरे चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हो, तो इंटरव्यू देने से तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो थोड़ा सा नर्वस सिस्टम, फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, और थोड़ा सा शर्म भी लग रही है क्योंकि मैं इतना हूँ नहीं, आपने इंटरव्यू लिया, इसलिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और अच्छा भी लग रहा है। तो मेरे चैनल पर आकर भी तुम्हें कैसा लगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगी आपके चैनल में आके बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, मैंने देखा है। तो आप लोग भी आप बोल रहे हो, अगर इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं है अभी जो सब्सक्राइब लाल बटन है दबा दीजिए, बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं। कभी कभी भी किसी का दिन आपका भी दिन आएगा जैसे आज मेरा है। तो थैंक यू प्रतीक्षा, तुम हमारे चैनल पर आने के लिए तुम्हें बार बार दिल से शुक्रिया कहता हूँ। मेरे ओर से और मेरे पूरा मेरे सर्कल में जो यूट्यूब चैनल के फैमिली मेंबर की ओर से तुम्हें बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस।